नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल स्मार्ट इंडिया में। तो आप देख पा रहे हो हमारे सामने एक TVS स्पॉट की बाइक पड़ी हुई है। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम बाइक के ऊपर कोई वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों सही आपने सुना, आज हम बाइक पर ही वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि आगे हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि भाई बैटरी की जगह पे कैपेसिटर डाल दो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और उसी के टॉपिक पर मैं आज फिर से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने TVS बाइक है, जैसे कि आगे हमने बताया। तो अभी हमने उसको ऑन करके देखा तो उसमें कोई कैपेसिटर नहीं है, आप देख सकते हो। मैं फोकस करता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, ना ही कोई कैपेसिटर लगा हुआ है। और हमने बाइक को स्टार्ट करके देखा तो उसका हेडलाइट जल रहा था, इंडिकेटर भी जल रहे थे साइड लाइट के, लेकिन हॉर्न ठीक से नहीं बज रहा था। तो दोस्तों अगर आपके पास TVS का बाइक है और अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो कैपेसिटर को, तो उसका इफ़ेक्ट ये रहेगा कि उसकी हॉर्न जो है वो बिल्कुल आइडल में भी बैटरी के जैसा स्मूथ एहसास होगा आपको, जैसे कि बैटरी लगी हुई है वैसे ही हॉर्न बजेगी। और हेडलाइट में खासा फ़र्क नहीं पड़ता है, 30% हेडलाइट बढ़ जाएगा। और जो इंडिकेटर है साइड लाइट के इंडिकेटर, उसमें भी आपको बिल्कुल बैटरी जैसा एहसास रहेगा। हालांकि कुछ बाइकें हैं हीरो की या फिर बजाज की, उसमें ठीक से जलता ही नहीं है, अगर बैटरी नहीं है तो आइडल में भी कुछ नहीं चलता है। लेकिन ये TVS की बाइक में शायद कोई अलग टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से उसको बैटरी ना होते हुए भी 30% सभी काम करते हैं, इंडिकेटर है हॉर्न है, तो यही फ़ायदा होगा उसका। तो हम फटाफट उसको इंस्टॉल कर लेते हैं कैपेसिटर को, और देखते हैं कि क्या फ़ायदा होता है। अभी हम कैपेसिटर को इंस्टॉल कर ले हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो वायर लगाया है वो नेगेटिव वायर है। तो नेगेटिव का यहाँ पे देखो, हर एक कैपेसिटर में ऐसा सिंबल बना हुआ होता है माइनस का, तो आपको यही ख्याल रखना है कि इंस्टॉल करते समय आपको पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट में अगर लगा दिए तो विस्फोट भी हो सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और ये जो खाली साइड है उसमें पॉजिटिव यानी कि जो रेड वायर है बैटरी में लगता है वो आपको लगाना है, और उसे अच्छी तरह से ऐसे स्पार्क न करे इस तरह से लगा देना है। और अगर सोल्डर भी आप कर सकते हो तो सोल्डर भी कर दीजिएगा, ताकि अगर खड्डे बड्डे में बाइक गिरे तो वो स्पार्क नहीं हो। फिलहाल मैं ऐसे ही लगा लेता हूँ और सेलो टेप उसको भी लगा लेते हैं। तो आपको ये अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लेना है और उसके ऊपर सेलो टेप भी लगा लेना है, ताकि अच्छी तरह से वो फिट हो जाए, वाटरप्रूफ हो जाए। अगर बारिश के मौसम में भी अब अगर आप कहीं जा रहे हो अगर उसको पानी लगता है तो भी उसकी कोई इफेक्ट भी नहीं होगी और अच्छी तरह से वो फिटिंग हो जाएगा। दोस्तों ये हमने इंस्टॉल कर लिया, अभी ये सेलो टेप लगा रहे हैं, अभी ये नेगेटिव का वायर ही बाकी है। और वो सब हम लगाने के बाद बाइक को हम चेक करने वाले हैं कि भाई कौन सा फ़र्क पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से उसका हॉर्न ठीक से बजेगा परफेक्ट, जैसे कि बैटरी है। और यहाँ पे जो मीटर दिए हुए हैं उसमें पेट्रोल वाला है कांटा जो है वो भी अच्छी तरह से काम करेगा। और अब हम नेक्स्ट में हीरो की जो बाइक आती है वो CD डिलक्स, उसमें ये कैपेसिटर लगाने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारा लाभ है। अगर आपके पास CD डिलक्स है और हेडलाइट कम हो गई है तो इस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम बाइक को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने देखा हॉर्न पहले ठीक से नहीं बज रहा था, तो अब बहुत अच्छी तरह से बज रहा है। अब हम हेडलाइट को भी ऑन करके देखते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हो हेडलाइट में भी बहुत फर्क पड़ चुका है। हेडलाइट हमारा 40-50% तक ज़्यादा बढ़ गया, आप देख सकते हो। तो दोस्तों हेडलाइट में भी टीवीएस बाइक में फ़र्क पड़ता है, हालांकि इतना नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी हॉर्न सही से बजती है। और ये आप देख सकते हो कि टीवीएस में यही फ़र्क होता है कैपेसिटर लगाने का। तो दोस्तों हमने देखा कि टीवीएस की बाइक में हमारा 4700 MFD, आप भी अगर यही बाइक यूज़ कर रहे हो, आपको इंस्टॉल करना है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब हम चलते हैं हीरो की सीडी डिलक्स बाइक के पास, उसमें भी हम कैपेसिटर इंस्टॉल करके देखने वाले हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए हम उस बाइक पर चलते हैं। HF डिलक्स ये जो बाइक है, उस बाइक में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते हम, दरअसल बात यह है कि उसमें अगर बैटरी ख़राब हो जाती है तो उसमें हेडलाइट भी कम हो जाता है। सो हम पहले देख लेते हैं कि हम हेडलाइट कम हो जाता है कि नहीं। हालांकि आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे बैटरी नहीं डाली हुई है अभी। और अभी हम ये कैपेसिटर लगाने वाले हैं, लेकिन ये अभी कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ से कट किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ ये पॉजिटिव वायर है और ये नेगेटिव वायर है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो नेगेटिव वायर है और ये कनेक्शन लॉस किया हुआ मतलब कट किया हुआ है। तो सबसे पहले बाइक को हम स्टार्ट करके देखते हैं कि अभी उसका जो हेडलाइट है वो कितना चल रहा है और हमारा कैपेसिटर इंस्टॉल करने के बाद कितना चलेगा। तो उसको चलो भाई चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बाइक को स्टार्ट कर लिया है, अब हम वहाँ कनेक्शन देख लेते हैं, आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। दोस्तों आपने देखा कि वायर उसका कनेक्ट नहीं किया हुआ है और अब हम हेडलाइट जलाएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि अभी आइडल बाइक चल रही है और हमारा हेडलाइट बिल्कुल डिम जल रहा है, यानी कि उसका जो फोकस है वो बहुत कम है। और रास्ते में अगर आप जाओगे नाइट में तो कुछ देखेगा भी नहीं। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये हेडलाइट का जो फॉक्स वहाँ पड़ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से वो चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि हेडलाइट में चेंज होता है यानी कि फुल होता है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हो कि हेडलाइट यहाँ पे बहुत ही डिम जल रहा है, वहाँ फॉक्स भी डिम हो रहा है, वहाँ देख सकते हो आप। और अब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करके देखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो कितना लाइट चेंज हो रहा है, जैसे ही कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो हेडलाइट बिल्कुल फुल हो जाता है और अगर कैपेसिटर को हटा लेते हैं तो वहाँ पे लाइट डिम हो जाता है। वहाँ सामने भी आप देख सकते हो कि उसका जो लाइट है वो फुल हो चुका है और कैपेसिटर को हटा लेते हैं तो बहुत ही डिम हो जाता है, ये आप फर्क देख सकते हो। दोस्तों जो लोग ये HF डिलक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है कि भाई हेडलाइट डिम हो गई है बैटरी ख़राब होने के कारण, तो उन लोगों के लिए कि जो कैपेसिटर है बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों इस कैपेसिटर की इफ़ेक्ट यानी कि वो जो काम करता है वो तो हमने देख लिया कि बहुत ही बढ़िया काम करता है, हेडलाइट को पूरा फुल कर दिया। अब हम ये सीख लेते हैं कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये हमारा कैपेसिटर है दोस्तों, इसकी वैल्यू अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, 4700 UFD और 50 वोल्ट। तो हमें इंस्टॉल कैसे करना है कि ये आप देख रहे हैं बैटरी के दो वायर है, ये नेगेटिव वायर है और ये लाल वाला है वो पॉजिटिव वायर है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है यार इंस्टॉल करने का, यहाँ आप देख सकते हो नेगेटिव वायर यहाँ नेगेटिव पे जुड़ा हुआ है और ये जो पॉजिटिव वायर है वो पॉजिटिव वायर पे कनेक्ट कर लेना है। बस आपको इतना ख्याल रखना है, यहाँ आप देख सकते हो नेगेटिव लाइन जो बनी हुई है वो लाइन है वो नेगेटिव है, हर एक कैपेसिटर में ये होता है। और यहाँ जो खाली साइड है वो हमारा पॉजिटिव वायर है। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट।
यहाँ से आपको दिख रहा है, अभी हमने कैपेसिटर का जो पॉजिटिव वायर है वो सोल्डर कर दिया है और नेगेटिव वायर भी सोल्डर कर लिया है। बस इतना सिंपल तरीका है। अब आप बैटरी का एहसास कर सकते हो अपनी बाइक में। जैसे ही बाइक स्टार्ट करोगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरी बाइक में बैटरी नहीं है। और आप इतना ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आप ये कैपेसिटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो बैटरी का कनेक्शन रद्द कर दीजिएगा, और अगर नहीं करते हैं तो बैटरी निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों एक साथ में नहीं लगा सकते हैं। और कुछ लोगों ने हम मुझे कमेंट भी किया हुआ था कि भाई ये कैपेसिटर जो है वो फटेगा तो नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऑलरेडी बाइक में बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, बहुत सारे पार्ट मिलकर हमारी बाइक को चलाते हैं, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पे कैपेसिटर को इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लोगों को शेयर करना बिल्कुल भी न भूले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में था बस इतना ही। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।